चलो करता हूँ। ठीक है, हो गया, अनम्यूट कर दूँ? हाँ कर, वहाँ से थोड़ी अनम्यूट होगा, कुछ भी कर दो तुम, करो। चलो हो गया। हाँ, तो आज की जो क्लास है वो शौक के बारे में है। तो शौक का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, शौक का मतलब क्या होता है। तो शौक वो स्टेट होती है किसी भी एनिमल की, ह्यूमन हो चाहे बफेलो हो चाहे कोई भी कैटल हो, शौक वो स्टेट होती है जिसके अंदर बीपी अचानक से फॉल हो जाता है। बीपी फॉल होता है और बीपी फॉल होने से क्या होता है, ब्लड जो है प्रॉपर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड के मेनली दो काम होते हैं, होते तो बहुत सारे काम हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ब्लड का, वो होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। और वहाँ से जितना भी आपका नाइट्रोजन का वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको वापस लेकर आना। अब जो है ब्लड जो है प्रॉपरली नहीं पहुँचेगा अगर ऑर्गन तक, टिश्यू तक, तो क्या होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, मरने लगेगा टिश्यू, डेथ होने लगेगी वहाँ की। एक चीज़ तो ये होती है जो शॉक को डिफाइन करती है। दूसरी चीज़ क्या होगी, तब वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वहाँ से जो है ब्लड उसको सामान को वापस नहीं ला पाएगा, जो भी उसकी गंदगी वहाँ पर बनी है, जो भी वहाँ पर नाइट्रोजन बना है, वो जो नाइट्रोजन बना है वहाँ पर, जो भी वहाँ पर वेस्ट बना है, वेस्ट मतलब जो फालतू सामान वहाँ बनता है ऑर्गन के अंदर, वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एरो का मतलब है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस वजह से फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या कराएंगी, उस ऑर्गन की, उस टिश्यू की डेथ कॉज कराएंगी, उस टिश्यू की डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है अगर किसी एनिमल को, किसी ह्यूमन को शॉक आ गया तो आप उसका तुरंत जो है एड्रेनलिन देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं, उसका तुरंत आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एमरजेंसी वाली कंडीशन होती है शॉक, एमरजेंसी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका बीपी कंट्रोल नहीं करा तो ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गन डैमेज हो गए तो 20 मिनट के बाद अगर ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और अगर ब्रेन की बात करता हूँ, किसी कैटल के ब्रेन को अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन कभी भी ठीक नहीं होगा, जो ब्रेन खराब हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। अगर आपके हार्ट को 20 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट जो है दोबारा से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। हार्ट हुआ, किडनी हुई, ब्रेन हुआ, तो हर एक मिनट जो है इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी जानवर को शॉक लग गया है। शॉक बिजली वाला नहीं, ये वाला शॉक। ठीक है, अगर उसको शॉक लग गया है तो आपको तुरंत से तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको समझा दिया कि शॉक क्या है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है टिश्यू तक क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है। अब ब्लड प्रेशर कम कैसे कैसे हो सकता है, अलग अलग लॉजिक हो सकती है ब्लड प्रेशर कम होने की, लेकिन हमारा जो मेन सिद्धांत रहेगा, मेन जो प्रिंसिपल रहेगा आज की क्लास का, बस यही है कि ब्लड प्रेशर कम होना। इस ब्लड प्रेशर के कम होने के जो तरीके हैं उससे डिफाइन होते हैं, उससे बताए जाते हैं कि कितने टाइप के शॉक हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, इनका मतलब अलग अलग है, लेकिन इनका जो कॉज है, ये जो होते हैं वो होते इसी वजह से हैं। घूम फिर कर सारी कहानी यहीं आ जाती है। फाइनली जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो ब्लड प्रेशर है। आपको शॉक को ट्रीट करने के लिए ब्लड प्रेशर को ठीक करना पड़ेगा। और कल जो मैंने क्लास ली थी उसको बताया था, ब्लड प्रेशर ANS में होता है, ANS जो है ब्लड प्रेशर को संभालता है। तो आपको एक ऐसी दवा देनी पड़ेगी जो ANS को संभाले। ANS को संभालने के लिए सबसे जो कॉमनली दवा दी जाती है शॉक के लिए, वो होती है एड्रीनलिन। एनिमल्स में भी वही देते हैं, एड्रीनलिन दी जाती है शॉक के लिए। ठीक है, ह्यूमंस में इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एनिमल्स में, ठीक है। तो एड्रीनलिन जो होती है वो दी जाती है क्योंकि वो ANS वाला ड्रग है और बीपी को सुधारना है। अब हम मेन अपने फोकस पर आ जाते हैं, शॉक कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला शॉक सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक, जो तो आपने सुना ही होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। तो मैं स्टार्ट करूंगा, अभी आपने एपिड्यूरल वो पढ़ा था, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक, जेनिक का मतलब क्या होता है, जेनिक मतलब जो चीज जहां से बनकर आती है, न्यूरोजेनिक मतलब न्यूरॉन की वजह से शॉक आया है, कार्डियोजेनिक मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट होता है, हार्ट की वजह से शॉक आया है। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक, वॉल्यूम कम था किसका, ब्लड का, जिस वजह से शॉक आया है। अभी हम इन दोनों चीजों पर काम करते हैं। न्यूरोजेनिक, ब्रेन या फिर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो ब्रेन होता है, वो न्यूरॉन्स का बना होता है, तो ये जो शॉक है वो इनकी वजह से आया होगा। और ये जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो हार्ट की प्रॉब्लम से आया होगा, कार्डियोजेनिक शॉक। अभी मैंने आपको बताया, सर ने बताया था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया,
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है उस टेल के आसपास एनेस्थीसिया डाल देते हैं, ठीक है। तो एपिड्यूरल साइनस अगर आपने प्रॉपरली नहीं लगाया या फिर ओवरडोज कर दी तो क्या होगा, एपिड्यूरल साइनस लीक हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड के और एरिया में जाकर। मेन काम था टेल को पैरालाइज करना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होती हैं उनको पैरालाइज करना, उनको जो है सुन करना। लेकिन अगर एनेस्थीसिया एक डोज से ज्यादा दे दिया या गलत जगह लगा दिया एनेस्थीसिया, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड का कोई और हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, हिस्सा काम करना छोड़ देगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व होगी वहां की जो उस हिस्से को सप्लाई कर रही होगी वो काम करना छोड़ देगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल हो जाता है, क्योंकि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक ही काम होता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड से जो नस निकलती है, जो नर्व निकलती है, वो आपने डैमेज कर दी गलत एपिड्यूरल लगाकर, तो ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जो शॉक देखा जाएगा उसको बोला जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक। कॉज क्या था, न्यूरॉन, फाइनली हुआ क्या, ब्लड प्रेशर कम। इजी है, फाइनली हमें बस ब्लड प्रेशर कम करना है और शॉक को समझना है। तो हुआ क्या, यहां पर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया गलत दे दिया तो न्यूरोजेनिक शॉक आ गया, ठीक है। तो ये काफी कम देखा जाता है क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया इतना दिया भी नहीं जाता है। अब आते हैं मतलब कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब क्या है, जो चीज हार्ट से बनकर आएगी, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से जो है आपका कार्डियोजेनिक शॉक आएगा। अब हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट आपके बॉडी की मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है, पानी को ऊपर भेजना, ब्रेन में भेजना, पानी को नीचे भेजना, पेट में, लंग्स में, सब जगह भेजना। अगर आपकी मोटर काम नहीं करेगी तो ऑक्सीजन ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा। तो आपकी जो मोटर है, जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है वो फेल हो जाएगा। जब हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेलियर जिसको बोला जाता है, तो आपका हार्ट, आपकी मोटर इतनी क्वांटिटी में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी। क्वांटिटी में अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। लॉजिक समझिए, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, पहले तो ब्लड प्रेशर समझाता हूँ होता क्या है। हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, ब्लड प्रेशर ही नहीं पता क्या होता है तो क्या फायदा। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड लगाता है वेसल की वॉल पर। वेसल क्या होती है, वेसल वो पाइपलाइन होती है, पाइप की तरह होते हैं जो हमारी ब्लड को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो जो प्रेशर ब्लड आर्टरी पे लगाएगा उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अगर यहां पर ब्लड ज्यादा होगा, किसी चीज के अंदर आप ज्यादा पानी भर देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इस ट्यूब के अंदर, इस पाइप के अंदर पानी ज्यादा भर दीजिए, क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब पानी इसमें से कम कर दीजिए, क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, आप इसका डायमीटर बढ़ा दीजिए, आप इसका साइज बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, जो पानी, जो ब्लड यहां पर था वो ज्यादा फैलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, फिजिक्स है, बहुत आसान सी। अगर यहां पर ज्यादा पानी भरा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम पानी होगा तो कम प्रेशर होगा। या फिर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं तो वो सेम पानी, वो सेम ब्लड अब ज्यादा जगह में जाएगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पर जो है इसका साइज छोटा कर दूं, अगर आपकी ब्लड वेसल जो है छोटी हो जाती है, ब्लड वेसल के पास एक टेंडेंसी होती है, एक काबिलियत होती है कि वो अपना साइज बड़ा कर सकती है, अपना साइज छोटा कर सकती है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वो अपना साइज छोटा कर लेती है। अगर साइज छोटा हो जाएगा तो वही ब्लड, वही जो वाटर है, अगर वही पानी की बात करूं मैं, वो पानी जो है कम जगह में आएगा। तो पानी कम था जिस वजह से ब्लड वेसल का साइज कम कर लिया बॉडी ने। अब ये वाली जो टेंडेंसी है, अगर ये वाली जो काबिलियत है ब्लड वेसल की, वो खराब हो जाए तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब कैसे कम होगा ब्लड प्रेशर, अब हम बात कर रहे थे कार्डियोजेनिक पे, वापस आते हैं टॉपिक पे। ये तो ब्लड प्रेशर का मैंने समझा दिया। कार्डियोजेनिक, आपका हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करेगा ब्लड को, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा यहां पर ब्लड नहीं पहुंचेगा। और मैंने आपको सब समझा दिया, अगर ब्लड वेसल के अंदर, इन पाइपों के अंदर अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम। क्यों हुआ कम, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपकी जो मोटर है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, वो फेल हो रही है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर क्या देखा जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। या फिर ह्यूमंस के अंदर मैं अगर बताता हूँ, जब भी हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट अटैक आ गया, हार्ट काम करना छोड़ देगा,
इसलिए बोला जाता है जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उसको तुरंत अस्पताल ले जाइए, वरना उसके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। अब हम आते हैं सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के जो है रीजन बहुत सारे हैं, मतलब ये अलग अलग तरह से हो सकता है, इसका एक कोई प्राइम सोर्स नहीं है कि यार इस चीज से ही एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। सबसे कॉमन जो मैंने कल पढ़ाया था पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली कॉज कर सकता है आपका रिएक्शंस या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक। कैसे करता है समझते हैं, पेनिसिलिन या फिर कोई भी ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एनाफाइलेक्टिक शॉक कर सकता है अगर वो जानवर उस ड्रग के लिए सेंसिटिव है। अगर वो जानवर उस ड्रग को नहीं ले सकता, अगर उस जानवर की बॉडी उस ड्रग को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो जो ड्रग होते हैं, वो जो दवा होती है सबसे कॉमनली, वो पेनिसिलिन ही होती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन के अंदर ये सबसे ज्यादा देखा जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो आपने कोई गलत ड्रग चढ़ा दिया या फिर ड्रग ज्यादा चढ़ा दिया और अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने लगती है बॉडी के अंदर, हाइपर मतलब कोई आदमी बहुत ज्यादा, सेंसिटिविटी मतलब होती है आपकी बॉडी उस दवा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। नॉर्मली कोई दवा को आप देंगे तो बैक्टीरिया को मारेगी जाकर, लेकिन आपकी बॉडी को लग रहा है कि पेनिसिलिन ही बैक्टीरिया है, बॉडी को क्या लगेगा इसको निकालो। अब बॉडी जो है पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी, और वो जो मैकेनिज्म है उसको बोला जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं मोटी मोटी चीज बता देता हूँ जिससे हम शॉक पर पहुंच जाएं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल निकलने लगते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन केमिकल होता है जो कि ब्लड वेसल का डायमीटर, ब्लड वेसल का जो विथ है, इनका जो बैरल का जो मोटाई है वो बढ़ा देता है। सारी बात ब्लड प्रेशर पे लेके जानी है हमें, ठीक है। तो ब्लड वेसल का जो डायमीटर है, इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक केमिकल ने आकर एक्शन किया था, उसका नाम क्या था, हिस्टामिन। वो केमिकल कहां से आया, इस रिएक्शन से। ये रिएक्शन कहां से आई, पेनिसिलिन से। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है कॉमनली देखा जाता है जब आप गलत ड्रग चढ़ा देते हैं और या फिर उस जानवर के अंदर जो है हाइपर सेंसिटिविटी होती है उस ड्रग को लेकर। कई बार आपका जो सेप्टिक शॉक होता है, अभी मैं इस पे आऊंगा, ये क्या होता है, सेप्टिक शॉक भी एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो कई बार इन दोनों चीज को एक साथ देखा जाता है। आप अगर किसी कैटल को देख लेते हैं शॉक के अंदर जा रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा शॉक है, आपके पास इतना है नहीं, आपको पता नहीं आपने क्या उसको स्पाइनल दिया था या उसका हार्ट, आप देख के नहीं बता सकते कि उसका हार्ट फेल हो रहा है, आप बता नहीं सकते कि उसको दवा दी गई है उस वजह से हो रहा है या फिर उसकी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है। तो नॉर्मली जो सबसे पहला जो डायग्नोस होता है वो यही होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉमनली शॉक होता है वो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सबसे आसान है, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं सेप्टिक शॉक के ऊपर, फिर उसके बाद हम इन दोनों शॉक को जोड़कर देखेंगे, एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक, तब समझ आएगा अच्छे से। सेप्टिक, सेप्टिक क्या होता है, सेप्टिक मतलब एक जगह बॉडी की कोई भी जहां पर बैक्टीरिया आ जाए उस जगह को बोलते हैं सेप्टिक जगह है। अगर ब्लड के अंदर सेप्सिस हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। सेप्सिस जहां भी लगा दिया, इसका मतलब वहां पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रोथ, बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ करने लगा है, इस मतलब सेप्सिस हो गई है। अब ये जो सेप्सिस है ये नॉर्मली बॉडी के अंदर हो सकती है, हर इंसान के अंदर हो सकती है सेप्सिस, लेकिन अगर एक लेवल को सेप्सिस क्रॉस कर जाए, एक लेवल से ज्यादा अगर बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ जाए, बैक्टीरिया अगर ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका सेप्टिक शॉक आ जाएगा। अब इसका जो सिद्धांत है, इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो यही है, जब भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आएगा, आपकी बॉडी के पास एक टेंडेंसी है, एक काबिलियत है, इम्यूनिटी, ठीक है, वो उसको मारना चाहेगी, वो कहेगी कि यार बैक्टीरिया आ गया, इसको मार के निकालते हैं। अब नॉर्मल आदमी जो है उसको क्या आता है, बैक्टीरिया आने के बाद बुखार, बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, और थोड़े दिन बाद दो चार दिन बाद जो है बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। आप दवा भी खाते हैं, कोई दिक्कत, दवा का कोई असर तो होता नहीं, आप सर दर्द कम करने के लिए दवा खा लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आया और बॉडी ने क्या करा, इम्यून रिस्पॉन्स अपना दिखाया। अब हुआ क्या, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं, और वो केमिकल, एक जो हिस्टामिन यहाँ निकलता था वो यहाँ भी निकलता है,
यहाँ पर और भी केमिकल्स निकलते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन केमिकल के नाम है, ठीक है, आई एल, आई मतलब इंटर, एल मतलब ल्यूकिन, वन इंटरल्यूकिन, वन इंटरल्यूकिन सिक्स, बहुत सारे नाम है। इनका फायदा क्या है? बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया को मारता कौन है? बैक्टीरिया को मारते हैं WBC। हमारे ब्लड के अंदर RBC होते हैं, WBC होते हैं। RBC का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, WBC का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। तो क्या करता है ब्लड, क्या करता है ब्लड? बातचीत करना शुरू कर देता है इन केमिकल की वजह से। ब्लड क्या करता है, यहाँ पर यार बैक्टीरिया आया है, मैं तेरे लिए इंटरल्यूकिन 1 भेज रहा हूँ, तुम वहाँ से WBC को भेजो मारने के लिए। यहाँ पर बैक्टीरिया आकर बैठ गया है। अब ये केमिकल जैसे निकलेगा वो कहेगा ठीक है मैं जाता हूँ और WBC को बुलाकर लाता हूँ। अब हुआ क्या, ये केमिकल जो है ज़्यादा निकल गया। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो ये केमिकल ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि उसको WBC ज़्यादा लानी है। अब अगर ये केमिकल ज़्यादा निकलेगा तो क्या कराएगा, ये वेसल्स का डायलेशन करा देगा। देखिए नॉर्मली भी ये जो केमिकल है ये वेसल्स का डायलेशन, डायलेशन मतलब उनका एरिया बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? अब आप कहेंगे कि ये क्यों बढ़ा रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ क्यों है जो सेप्टिक शॉक कराती है? ये इसलिए होता है, जहाँ भी बैक्टीरिया है, जहाँ भी सेप्सिस है, तो वहाँ पर बॉडी चाहती है कि ब्लड ज़्यादा जाए। ब्लड ज़्यादा क्यों जाए? तब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो उसके साथ कौन ज़्यादा जाएगा? WBC। तो ब्लड ज़्यादा जाए क्यों? क्योंकि वहाँ पर WBC की ज़रूरत है। तो ये जो केमिकल हैं आपके, ये उनका डायमीटर बढ़ा देंगे ब्लड वेसल्स का। जैसे ही ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा क्या कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। अब क्या हो गया? अपना शॉक डिफाइन हो गया ड्यू टू सेप्सिस, इसको बोला जाता है सेप्टिक शॉक। तो सेप्सिस मतलब जहाँ भी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी बैक्टीरियल ग्रोथ है और उसके अंदर जो है कैटल शॉक के अंदर जा रहा है, तो है आपका सेप्टिक शॉक। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहला तो आपको हर शॉक का ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। मर जाएगा पेशेंट, मर जाएगा, जानवर मर जाएगा अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करा। उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करिए, उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करिए, उसके बाद आप क्या देंगे? बैक्टीरिया को क्या चीज़ मारती थी? एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आप देंगे एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर हमने दो क्लास की दवाओं का यूज़ किया, बैक्टीरिया को मारा एंटीबायोटिक देकर, शॉक को ट्रीट किया एड्रिनेलिन मतलब ANS वाली दवा को देकर। ये फ़ायदा होता है दवा की क्लास का पता होने का, कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन कौन सी दवा दी जाएंगी, वरना सारी दवा आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, अब सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग है हाइपोवॉल्यूमिक। ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, सबसे कॉमनली ये देखा जाता है, इसके बाद ये देखा जाता है। अब मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपकी जो है गाय जा रही है, भैंस जा रही है, चला रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होता है, हैवी ब्लड लॉस होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। वो ब्लड कहाँ से आएगा? वो ब्लड बॉडी से आएगा। बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ पर होता है? हार्ट, हार्ट कहाँ पर भेजता है ब्लड को? ब्लड वेसल के अंदर भेजता है, और वापस कहाँ जाता है? हार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये तो पता है। तो ब्लड कहाँ से निकलेगा? ब्लड वेसल से निकलेगा। और बॉडी के पास इतनी टेंडेंसी तो है नहीं कि ब्लड निकला और तुरंत बना के बढ़ा दिया कि ब्लड निकल गया मैं बढ़ा देता हूँ। 120 दिन लगते हैं RBC को बनाने में, मतलब पुराना ब्लड और नया ब्लड बनाने में 120 दिन लग जाएंगे। अगर तुरंत चोट लगी है और खून निकले जा रहा है और क्या होगा फिर? ब्लड वेसल्स के अंदर से खून कहाँ जा रहा है? बाहर निकल रहा है। इन ब्लड वेसल के अंदर जैसे ही खून कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, इसको बोला जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसका मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा? सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको दे देना है एड्रिनलिन। उसके बाद आपको IV इन्फ्यूजन करना है। IV इन्फ्यूजन तो किसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर IV इन्फ्यूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, हाइपो कम है। क्या वॉल्यूम? किस चीज़ का? ब्लड का। आप बाहर से IV देते हैं, IV के अंदर क्या होते हैं? सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, वाटर होता है। क्या करेगा? उन ब्लड वेसल्स को जाकर भरेगा, जो ब्लड वेसल खाली हो गई हैं उनको जाके भरेगा और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा। इसलिए हाइपोवॉलिक शॉक के अंदर जो है IV देना बहुत ज़रूरी है। देते तो इसके अंदर भी हैं, देते इसके अंदर भी हैं, क्योंकि फाइनली हमें ब्लड प्रेशर क्या करना है? रिस्टोर। तो ब्लड प्रेशर रिस्टोर करने के लिए या तो आप ब्लड वेसल का साइज छोटा कर दीजिए, या ब्लड वेसल के अंदर कुछ बाहर से भर दीजिए। साइज छोटा कैसे करेंगे? एड्रिनलिन दे दीजिए, वो क्या कराएगा? वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, उनका साइज छोटा कराएगा। बाहर से क्या चीज़ भर सकते हैं आप? सबसे कॉमन IV भर सकते हैं। IV से भी काम नहीं हो रहा तो बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कभी और बताएंगे कि क्यों, क्या, कैसे। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा जाता है। तो ये सारी की सारी हमने शॉक की बात कर ली, कि कितने टाइप के शॉक होते हैं। सबसे कॉमनली ये वाला देखा जाता है, उसके बाद ये आता है, ये काफ़ी कॉमनली नहीं देखे जाते हैं,
और ये वाला जब भी आपको लगेगा कि जानवर को बुखार भी आ रखा है और ऑलरेडी उसके पास कोई और सिम्टम्स थे जानवर के अंदर, बैक्टीरियल ग्रोथ आपको लग रहा था है और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, तब ये सेप्टिक शॉक आप डायग्नोस कर लेना। तो ये सारे के सारे शॉक होते हैं जो बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। और सब क्लास का अगर मैं सार बताऊं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शॉक के अंदर हो क्या रहा है, ब्लड प्रेशर कम। कुछ याद मत रखिए, ये सब भूल दीजिए, शॉक के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम। आप एज अ डॉक्टर क्या करना चाहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप एड्रेनलिन दे दीजिए, सेप्टिक शॉक है तो बैक्टीरिया को कम करने के लिए एंटीबायोटिक दे दीजिए, अगर हाइपोवॉल्यूमिक है तो ब्लड चढ़ा दीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दीजिए या फिर आईवी दे दीजिए। और अगर कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह होते हैं जिसके अंदर हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट फेलियर के लिए आप दवा दे सकते हैं, फ्यूरोसिमाइड वगैरह आप दे सकते हैं। अगर हार्ट फेलियर ज़्यादा कंजेशन की वजह से हो गया, कंजेशन मतलब होता है हार्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ब्लड भरने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, कई बार होता है फेफड़ों के अंदर पानी भरने लगता है, फेफड़ों से वो पानी जो है क्या करता है, हार्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आपका फेफड़ा और हार्ट जो होता है कनेक्ट होता है, तब हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो हार्ट प्रॉपरली उसको नहीं निकाल पाएगा, जिस वजह से हार्ट काम करना छोड़ देगा, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसके अंदर आप दे सकते हैं डायूरेटिक, जिसके ऊपर कभी और क्लास लेंगे, जैसे फ्यूरोसिमाइड वगैरह हो गया, या फिर आप इसका हार्ट रेट बढ़ा दीजिए, हार्ट काम नहीं कर रहा लेकिन आप एक ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे हार्ट काम करने लगे, वो क्या दवा होगी, ANS की दवा है, हिंट दे दिया, ANS की दवा है, और सबसे कॉमनली एड्रीनलिन ही है जो हार्ट रेट भी बढ़ाता है, एड्रीनलिन हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर भी कम कर देगा। तो एड्रीनलिन के दो काम जो आज हमने पढ़े हैं, हार्ट रेट को बढ़ाता है एड्रीनलिन, और एड्रीनलिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये इसका डायमीटर कम कर देता है। और हार्ट रेट क्यों बढ़ाता है, क्योंकि हार्ट बहुत तेज तेज जो है धड़केगा। ठीक है, तो शॉक ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया। तो एनिमल में तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शॉक है, तो हाँ एड्रेनलिन दे सकते हैं। हाँ, एड्रेनलिन तो मैंने बोला हर शॉक में आप दे ड्रग सकते हैं, ऑफ चॉइस ही रख लेंगे इसकी। ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन ही है, एड्रेनलिन जो है एक ऐसा दवा है जब जिसको पढ़ाया जाता है हर जगह, वो शॉक के लिए ही पढ़ाया जाता है सबसे ज्यादा कॉमनली, एड्रेनलिन देना है क्योंकि ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कॉमनली ज्यादा जा रहा है इसके अंदर। आप सेफली इसके अंदर दे सकते हैं क्योंकि हार्ट रेट आपको बढ़ाना है, इसके अंदर डोज ज्यादा देना पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा क्या एड्रेनलिन उसकी? हाँ। एड्रेनलिन की डोज ह्यूमंस में मैं आपको बता देता हूँ, एनिमल्स में बता देंगे, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक ड्रग है, मतलब आप एड्रेनलिन ऐसे ही नहीं दे सकते, पता चली जानवर मर गया आपने सोचा कि मैंने तो एड्रेनलिन दिया था आप पे, वो किसान केस कर सकता है। एड्रेनलिन आपको डोज के हिसाब से देना है, पहले कम देनी है, अगर शॉक ठीक नहीं होता फिर बढ़ानी है, 5 मिनट वेट करना है, ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है पहले दी जाती है फिर 5 मिनट वेट करा जाता है, होश आया ठीक है फिर दी जाती है, होश आया ठीक है फिर दी जाती है, नहीं आया ठीक है फिर दी जाती है, अगर तब भी होश नहीं आता है तब उसको ICU में भर्ती किया जाता है और उसको ऑक्सीजन दी जाती है बाहर से। डोज रेट पापा एनिमल्स में क्या है, बॉडी वेट के हिसाब से वो सर बताएंगे, ह्यूमंस के अंदर जो है डोज रेट ऐसे करके दी जाती है, अगर आपको शॉक आया है तो दी जाता है 0.5 ml IM, और इसके अंदर कंसेंट्रेशन बहुत जरूरी होती है, 1/1000, मतलब 1000 ml पानी के अंदर जो भी आप एड्रेनलिन दे रहे हैं उसको 1 ml एड्रेनलिन उसमें घोल लेना, मतलब 1 ml एड्रेनलिन घोलना है 1000 ml पानी के अंदर, ऐसे करके इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, मतलब देखना कितना कम एड्रेनलिन देना है, एड्रेनलिन बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है क्योंकि टॉक्सिसिटी होती है, और अगर आपने ज़्यादा दे दिया हार्ट रेट बहुत ज़्यादा अगर धड़केगा तो भी कोई फायदा नहीं है। इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आपने याद दिला दी, अगर हार्ट रेट कम धड़क रहा है तो क्या हो रहा है, पानी मिला के देना है। हाँ, पानी मिला के तो देना ही है, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर पर जो ऑलरेडी डायल्यूटेड मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है आपको इमरजेंसी में खुद डायल्यूट करनी पड़ती है, ठीक है, तो डाइल्यूशन उसका बहुत जरूरी होता है। अच्छा एक चीज बड़ा खत्म करता हूँ, हार्ट रेट अगर कम है तो क्या हो रहा था, शॉक, अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो अभी शॉक हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया, क्यों, हार्ट का एक प्रॉपर टाइम तय है, 1 मिनट में 72 बारी बीट करेगा, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हार्ट को क्या चाहिए, टाइम चाहिए भरने के लिए, जैसे हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको पता है हार्ट काम ऐसे करता है, इसके अंदर क्या हुआ, ब्लड भर गया, अब हार्ट तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकल गया, अब हार्ट को क्या चाहिए, टाइम चाहिए पूरा भरने के लिए आराम से, और आराम से निकालने के लिए इसको टाइम चाहिए, अब आपने 72 मिनट जो ऊपर वाले ने सेट करके भेजा है टाइम लगाकर कि इसमें पूरा हार्ट भर जाएगा और इसमें पूरा हार्ट कम हो जाएगा, अब हार्ट बहुत ज़्यादा आपने हार्ट रेट बढ़ा दिया, अब हार्ट जो है प्रॉपरली भर ही नहीं पा रहा है पूरा, यहाँ पे भरना था 600 ml, अब भर रहा है वो 400 ml,
हार्ट तब कम भरेगा तो क्या होगा, कम ब्लड भेजेगा, और जब कम ब्लड भेजेगा आगे तो क्या होगा, शॉक हो जाएगा। और उससे बड़ी चीज क्या होगी, जो ब्लड हार्ट आगे नहीं भेज पाएगा वो ब्लड लंग्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो कराएगा पल्मोनरी अडीमा, अडीमा देखा जाएगा फेफड़ों के अंदर। तो हार्ट रेट का बढ़ना भी बहुत दिक्कत है, इसलिए ओवरडोज नहीं कर सकते एड्रेनालिन की, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, इसलिए डोज बहुत ज़रूरी है मेडिसिन के अंदर, फार्माकोलॉजी इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हो गया आप डोज, और कुछ सवाल है जी सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार हमसे पूछा जाता है। ह्यूमंस के अंदर जो होता है एक फीमेल और मेल बनाया है, ठीक है। अब फीमेल के अंदर जो एक केमिकल है एस्ट्रोजन, पता होगा आपको, ठीक है, और वो मेल्स के अंदर नहीं है। अब यही जो एस्ट्रोजन है वो बहुत ज्यादा फायदा भी देता है फीमेल्स को और नुकसान भी बहुत कराता है, ठीक है। फायदा सबसे ज्यादा कॉमनली होता है उनको हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं फीमेल्स के अंदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले तो समझना पड़ेगा हार्ट अटैक आता क्यों है। हार्ट अटैक जब आएगा जब आपका हार्ट जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है। काम कब नहीं करेगा, जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और हार्ट को देखो, हार्ट जो है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है ना। अब हार्ट को भी तो कोई ऑक्सीजन पहुंचाएगा, हार्ट भी तो एक टिश्यू है, तो हार्ट अपने आप को ऑक्सीजन खुद पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, आर्टरी होती है, क्या नाम होता है उस आर्टरी का, पल्मोनरी होती है लंग्स के लिए, कोरोनरी आर्टरी, याद आया, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है, जो कि ह्यूमंस के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है, जो बाईपास सर्जरी होती है उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है, तो कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई तो हार्ट तक क्या नहीं पहुंचेगा, ब्लड, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हार्ट क्या होने लगेगा, डाई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक होती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों होगी ब्लॉक, वो इसलिए ब्लॉक होती है, काफी लोग होते हैं बहुत ज्यादा चिकनाई खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, इसलिए बोला जाता है तला हुआ खाना कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा जो है सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शुगर पीते हैं, चाय के अंदर चीनी डाल के पिए जा रहे हैं, इन सबसे क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर इस टाइप के गुच्छे बनने लगते हैं। अब क्या हो गया, यहां पर ब्लड आ रहा था, ठीक है, अब ब्लड को क्या नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, अब ब्लड यहां पर कम पहुंचेगा, यहां पर इतना सारा ब्लड आ रहा है, यहां से जा रहा है 5 ml में से मान लीजिए 1 ml ब्लड जा रहा है, ठीक है, अब आएगा हार्ट अटैक। अब जो फीमेल्स हैं वो एक चीज लेके पैदा होंगे, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एथेरोमेटस प्लाक, मेडिकल साइंस में, वेटरनरी साइंस में इसको बोला जाता है प्लाक, प्लाक बन जाना, प्लाक मतलब होता है कोई भी गुच्छा बन जाना, ठीक है। तो फीमेल का जो एस्ट्रोजन होता है वो इसको नहीं बनने देता है, बनता तो है लेकिन इसका जो रेट होता है वो नहीं बनने देता है, इसलिए इसको बोला जाता है दे आर प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब ये जो एस्ट्रोजन है वो प्रोटेक्टिव होता है फीमेल्स के अंदर, उनको बचा के रखता है इस प्लाक से। अगर प्लाक नहीं बनेगा या फिर प्लाक बहुत धीरे धीरे बनेगा तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। तो फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्लाक को ना बनने देने में या फिर स्लो बनने देने में, जिस वजह से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं। एक तो ये फायदा हो गया, अब दूसरा फायदा ये है या दूसरा नुकसान कहिए, आप देखते हैं एक एज होती है मेनोपॉज, हर फीमेल की लाइफ में आती है जब वो पीरियड्स होते हैं बंद हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं आप फीमेल्स के अंदर हड्डियां वीक होने लगती हैं, आप देखेंगे फ्रैक्चर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उनकी हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका कम निकलता है बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन निकलता है आपका, कम निकलता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, एस्ट्रोजन एनिमल्स के अंदर भी कम निकलता है जब प्रेगनेंसी उसको चल रही होती है, प्रेगनेंसी का उसका टाइम होता है तब इसका पीरियड्स आ रहे हैं फीमेल्स के, और ऑलमोस्ट अराउंड 48-50 के आसपास जो है एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर रहता है। अब जैसे ही 48 के आसपास एस्ट्रोजन निकलना कम हो जाता है तो हड्डी जो है वीक होने लगती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता था वो कैल्शियम चिपकाता था किससे, हड्डियों से। अब एस्ट्रोजन क्या हो गया, कम, अब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो हड्डियों पे जाके कैल्शियम को चिपकाए, जिस वजह से जो डेंसिटी होती है, जो भार होता है हड्डियों का, वो कम हो जाता है, और जैसी हड्डियों का भार कम हो जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। और इस वजह से एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा था फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक कम देखा जाता है ना, अब मैं बता देता हूँ कैसे कम देखा जाता है। ये एक डेटा है, अमेरिका के अंदर ये डेटा कंडक्ट किया गया था, इसका मैं ग्राफ बताता हूँ। सबसे ज्यादा फीमेल पहले तो कम देखे जाते हैं,
उसके बाद अचानक से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं अराउंड 50+। यहाँ पर बहुत कम थे हार्ट अटैक के चांस, और यहाँ पर क्यों बढ़ गए, क्योंकि 50 के बाद एस्ट्रोजन भी खत्म हो गया। जैसे एस्ट्रोजन खत्म हो गया, वो भी हमारे जैसी हो गई, आदमियों के जैसी हो गई, और ह्यूमंस के अंदर तो ऑलमोस्ट हमेशा ही बढ़े रहे हैं, ऐसे रही है स्पाइक। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कम है और अचानक से बढ़ा है, और ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर, मेल्स के अंदर जो हमेशा जो है बढ़ा है। तो ये है एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं हॉर्मोन्स भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देते हैं बॉडी की। और कोई क्वेश्चन पूछना हो, ये तो अच्छा लगा, तुम लोग मजा आया, पूछा था अनिकेत पांडे। जी अनिकेत पांडे जी, बताइए अनिकेत पांडे जी क्या पूछ रहे हो, पूछिए अनिकेत पांडे क्या पूछ रहे हो, हाँ सर ये बोल रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जानवर का क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर हुआ, अचानक उसका डेथ क्यों हो गया सर, अचानक डेथ क्यों हो जाए, मतलब बहुत तेजी से आवाज करता है, सीजर करके सीजर मर जाता है, आवाज शक्ल दिख रही है क्या, मैंने बताया था आपको ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। देखो डेथ का, डेथ जो डिफाइन करी गई है जानवरों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, वो क्या है, डेथ तब तक नहीं होती जब तक ब्रेन डेथ नहीं हो जाती। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये चीज मैं बता चुका हूँ, आप खुद समझ लेंगे। ब्रेन कब मरना शुरू हो जाता है, अगर 4 मिनट तक उसको ऑक्सीजन ना मिले, मैं कहूँगा 2 मिनट भी ना मिले तो भी मर जाएगा। आप किसी का गला दबा दिया 2 मिनट में आदमी मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से जानवर को शॉक लगा, एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो रिस्क में ऑर्गन है वो क्या है, ब्रेन, क्योंकि वो 2 मिनट में मरना शुरू हो जाएगा। हार्ट को कम से कम 20 मिनट का टाइम दिया गया मरने के लिए, और ब्रेन आपके पास एक ही दिया है ऊपर वाले ने, और वो भी 2 मिनट में मरना शुरू हो जाएगा, तो 2 मिनट के बाद आप समझिए कि एनिमल की डेथ हो जाएगी। कभी कभी तो क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए उसका ब्रेन का डेथ हो गया, लेकिन उसमें 2-3 दिन तक जानवर हमेशा जीवित रहता है, ब्रेन का जो काम है वो आपकी मसल को चलाना है, आपके हार्ट को धड़काना है, सब काम करता है आपका ब्रेन। लेकिन ब्रेन के पास एक काबिलियत है, अगर आपकी मसल ऐसे से होने लगे तो आपको क्या होगा, बोल देगा आपको पार्किंसन है, अगर आपकी मसल ऐसे से होने लगे, आपके हाथ ऐसे से चलने लगे, सीजर आने लगेंगे, आप नीचे पड़ जाइए, बोलेंगे तेरे को दमा का अटैक आ गया, तो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपके जो भी नॉर्मल चीज हो रही थी वो नॉर्मली नहीं हो पाएंगी। आपका ब्रेन हर चीज को नॉर्मली कराता है, जो आप बोल रहे हैं उनको बोलते हैं सीजर, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स क्या होते हैं, जब आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन सिग्नल नहीं दे पाता, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होना था, लेकिन मसल को क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, अचानक से ओवर फायरिंग हो रही है। ओवर फायरिंग मतलब होता है आपका जो ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए जा रहा है, आपकी मसल बेवकूफ बन रही है, उसको लग रहा है कि ब्रेन चाहता है कि तुम हाथ चलाओ, भैंस हाथ चलाएगी, पैर फटकेगी, उसको बोला जाएगा सीजर्स, ट्रेमर्स, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अब ब्रेन क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे 6 साल का टाइम मैंने बता दिया, वो तो बहुत लंबी चीज है, डोपामिन कम हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, एड्रेनलिन बढ़ जाएगा तब दिक्कत। जी अगला सवाल, थैंक यू सर जी, इट्स ओके। मुकेश यादव को पूछो, अरे मुकेश यादव अपना वाला जी, मुकेश बताओ जी, भाई नमस्कार जी, जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार जी, इससे तो मुलाकात है मेरे साथ भाई, कि अगले जन्म में जरूर कुछ मजा आ गया सर,
मजा आ गया बच्चों को दिखाया कि देखो सात सर पढ़ा रहा है, दिखाया बच्चों को दिखाया हमने। हाँ पूछ रही थी मेरी वाइफ कौन है। हाँ हाँ डॉक्टर जी जी जी। चलो अगला सवाल सवाल लेते हैं जल्दी आने के लिए आते रहते हैं। अब जल्दी जल्दी किसी सवाल है लेते हैं फिर इसको जो है फिर मैं बताता हूँ ठीक है। ओके वो गाय का क्या हुआ तुम्हारी गाय का क्या हुआ? ठीक है सर। ठीक है ठीक हो गई? सही है वो। ठीक है आगे बढ़ो। ठीक 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 आगे बढ़ो। छोटे लाल पांडे बताओ इनकी सवाल बहुत बढ़िया होगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर बोल रहे कि जब ब्लड प्रेशर कोई कभी कभी कोई शॉक होता है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्या होता है? शॉक होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शॉक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं ड्राइविंग ज्यादा लग गई नहीं ब्लड ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर बढ़ा और एकदम से कम हो गया लेकिन शॉक जो डिफाइन किया गया है मेडिकल लिटरेचर के अंदर उसमें यही है कि ब्लड प्रेशर कम होगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़कर ब्लड प्रेशर कम हो जाए वो भी शॉक हो सकता है। अब ये कैसे होगा मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। हार्ट अचानक से एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा निकला हार्ट अचानक से जो धड़क रहा है अचानक से हार्ट ने काम करना छोड़ दिया और एकदम से कोलैप्स। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया शॉक आ गया तो हो सकता है लेकिन शॉक का मतलब है ब्लड प्रेशर कम। अच्छा छोटे लाल पांडे क्लास कैसा लगा?